नमस्कार, द फ्रंट पर मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। बीजेपी की सांसद भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में कहती हैं कि महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे देशभक्त था, उस पर बवाल होता है और नतीजा ये है कि जो रक्षा मामलों की संसदीय समिति होती जिसमें उनको डाला गया था उसको लेकर के भी सवाल बहुत ज़्यादा होने लगे थे, उससे बाहर कर दिया गया है। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी को अगर यह बात गवारा नहीं है और बीजेपी मानती है कि राष्ट्रपिता के खिलाफ या राष्ट्रपिता के हत्यारे को लेकर के इस तरीके से बयान देने वाला कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तो फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी के अंदर अभी तक क्यों हैं? इसका कोई जवाब आपको दिखता है? देखिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोई व्यक्ति नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। वो एक टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती हैं और उस टेंडेंसी को बीजेपी से, मौजूदा बीजेपी से अलग नहीं किया जा सकता। बीजेपी में, पुराने बीजेपी में भी ये टेंडेंसी थी लेकिन बहुत मार्जिन पे थी। इस बीजेपी में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीजेपी में, गुजराती लीडरशिप वाले बीजेपी में, मैं कहूँगा अटल जी वाला दौर छोड़ दीजिए, अटल जी आडवाणी वाला, तो उसमें ये कोर है और इस कोर को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अरविंद जी, प्रधानमंत्री कहते तो हैं, लोकसभा चुनाव के मुझे लगता है आखिरी दौर में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे और प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर ऐसा है तो भले ही पार्टी उनको माफ़ कर दे, मैं उनको मन से माफ़ नहीं कर पाऊँगा। देखिए, ये कहने की बात नहीं है। असल में मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री को ही निभानी चाहिए थी। जो गौरक्षकों के सवाल पे भी उन्होंने भाषण तो कई दिए लेकिन वो चीज़ें बंद नहीं हुई। और वो बंद करना कराना, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में दरोगा को खुलेआम मार दिया जिन लोगों ने, उनसे वो बीजेपी का ऑफिस बेरर भी उसमें है, उससे बीजेपी का ऑफिस, जब वो जेल से छूट के आता है तो उसका सम्मान होता है। हजारीबाग में जब जेल से छूट के आता है तो उसको एक मंत्री माला पहना। तो इन टेंडेंसीज पे तुरंत रोक लगानी चाहिए थी सख्ती से, ये प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और प्रधानमंत्री ने नहीं किया ऐसा उनकी मंशा है, यही कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। उसमें ये भी है कि प्रधानमंत्री ये कर नहीं सकते क्योंकि असली वोटर, आज के तारीख में असली प्रचारक, असली काम करने वाला सोशल मीडिया पे, समाज की बैठकों में, ये सब यही करने वाले हैं। और इसी ने बीजेपी को ये लीड दी है कि आज के तारीख में आप बड़े मज़े से, आप गोडसे तो वो वहाँ पार्लियामेंट में बोल के फंसी हैं एक तरह से, नहीं तो बाकी किसी चर्चा में गोडसे बड़े मज़े से आ रहे हैं। सोशल मीडिया की चर्चा में गोडसे देखिए कहाँ हैं, किताबों की बिक्री में गोडसे आज कहाँ हैं, उनके बयान देख लीजिए। जो गोपाल गोडसे गिड़गिड़ाते फिरते थे सारी दुनिया में और किस तरह से उनकी जान बची, फांसी नहीं मिला, वो गोपाल गोडसे बाद में कैसा गरज रहे थे और उनकी किताबें कैसा गरज। तो ये एक टेंडेंसी है, मैं कह रहा हूँ कि प्रज्ञा ठाकुर उसमें एक मोहरा भर हैं। असल में ये टेंडेंसी है और आज के बीजेपी का कोर सपोर्ट ग्रुप यही है, जो लुम्पेनाइजेशन पॉलिटिक्स का है वो इसी एलिमेंट्स से है। नहीं, लेकिन अरविंद जी, ये गंभीर सवाल आपकी तरफ से है। आप दरअसल कह रहे हैं कि बीजेपी का जो मेजर चंक है समर्थकों का या पार्टी कार्यकर्ताओं का, वो इस बात को मानने वाला है कि महात्मा गांधी की हत्या करके नाथूराम गोडसे ने गलत काम नहीं किया। देखिए, मैं एक प्रकरण आपको और इसमें सुनाना चाहता हूँ कि आडवाणी जी की रथ यात्रा का प्रसरण है कि आडवाणी जी रथ यात्रा में चल रहे हैं और जैसे एक जगह से भाषण दे के दूसरी जगह चलने लगे तो किसी ने वहाँ साध्वी रितंबरा का कैसेट लगा दिया। और साध्वी रितंबरा भी आपको मालूम है कि क्या बोलती थी और कैसे बोलती थी। तो आडवाणी जी ने डांट के वो कैसेट, वो इंडिया टुडे में हमने रिपोर्ट किया है कि डांट के वो कैसेट कहा कि इसको अलग करो, ये बकवास नहीं चलना चाहिए। तो ये मैसेजिंग असल में लीडर देता है, ये मैसेजिंग कोई और नहीं देता है। उस लीडर को मालूम होना चाहिए कि हमको कहाँ तक जाना है और कहाँ। आडवाणी जी ने जो किया उसका वो भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं भुगत रहे हैं। रथ यात्रा भी कहीं ना कहीं मुल्क के मिजाज से अलग चीज़ थी लेकिन उसने बीजेपी को फ़ायदा किया। तो ये समझ के आडवाणी जी ने रथ यात्रा की कि कुछ चीज़ें हम छोड़ रहे हैं तो कुछ पाएंगे। तो अब ये पाने और खोने का जो हिसाब है वो लीडर के दिमाग में तो क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ने नहीं दिखाया अभी तक। वो एक संविधान, एक कानून, एक किताब, ये बात बोलते तो रहे हैं। गोरक्षकों का हंगामा ज़्यादा बढ़ा तो भी बयान एक दिया, नहीं उस पर दो तीन दफ़ा उन्होंने कहा कि गोरक्षक जो होते हैं, नहीं समय पे नहीं दिया और एक्शन जहाँ लेना था वो नहीं दिया। आप देखिए, सब छूट गए।
जो गोरक्षा के चक्कर में जितने लोग अरेस्ट भी हुए थे वो सारे मुकदमे खत्म हो गए सब। ये कराना, इंश्योर करना प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। तो प्रधानमंत्री के रूप में जो बीजेपी के लीडर के तौर पे उनको जो करना था वो करने में वो चूके हैं। तो आज अगर प्रज्ञा सिंह से उनको दिक्कत हो रही है और वो कहते हैं कि मैं मुँह नहीं दिखाऊंगा और मुझे शर्म आएगी, अरे भाई करना आपको है, ये हमारा करना होता तो हम प्रज्ञा सिंह को तो पता नहीं कहाँ रखते और कम से कम लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ाते, भोपाल से नहीं लड़ाते। लेकिन आप देखिए अरविंद जी, एक सवाल है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी भोपाल से उतारती है, दिग्विजय सिंह जैसा बड़ा नेता कांग्रेस का वो मुकाबले में है और बड़े मार्जिन से प्रज्ञा सिंह ठाकुर जीतती हैं, तो मानस आप क्या लगता है कि लोगों का मानस जो है वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी ही टेंडेंसी का है क्या? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि कोर असल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही है। आप देखिए कि कम्युनलाइजेशन, हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ मान लीजिए सेंटर है जिसमें मुसलमानों की आबादी बहुत, वहाँ कहाँ कम्युनलाइजेशन दिखता है इतना। लेकिन उस मध्य प्रदेश में जहाँ मुसलमानों की आबादी गिनती की है और दो पॉकेट हैं, थोड़े भोपाल में थोड़े बुरहानपुर में, इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में कहीं मुसलमान नहीं है, इसके बावजूद मध्य प्रदेश को इतना ज़बरदस्त कम्युनली चार्ज कर लेना नरेंद्र मोदी के बस में नहीं है, ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बस में है और उनके जैसे लोगों के बस में है। तो अगर आपको मध्य प्रदेश बार बार जीतना है और किसी भी कीमत पे जीतना है तो फिर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ही हीरो बनाना पड़ेगा। फिर वहाँ किसी सेकुलर को, वहाँ से सुषमा स्वराज को लड़ा के और आडवाणी जी को ले जा के लड़ा के, या जसवंत सिंह ऐसे लोगों को जो बीजेपी में थोड़ी अलग पॉलिटिक्स करते थे, अगर आप चाहेंगे तो भी वो वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो इस कोर को जिस पॉइंट से आपको तकलीफ होनी है, आपको पहचान होनी चाहिए और वहीं रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप उनको पार्लियामेंट में ले आते हैं, डिफेंस कमेटी में ले आते हैं और उसके बाद आपको तकलीफ होती है, तो ये तकलीफ फिर रुकने वाली नहीं है। हो सकता है कि किसी दिन ये चैलेंज कर लें। हम सब ने देखा है अकाली आंदोलन के समय, पंजाब आंदोलन के समय, कि भिंडरांवाले इंदिरा गांधी का ही बनाया हुआ आदमी था और किस तरह से उसने कांग्रेस और सबको बाईपास किया और वो क्या बन गया, और बन क्या गया, अब संत बन गया, साधु बन गया, आज तक उसका उसके शिष्य हैं। मैंने वो कांग्रेस के लिए ही, जो हमारे यहाँ कहानियाँ कई हैं कि वो उसको भस्मासुर बना लिया, क्या बना लिया, तो ये भस्मासुर आप बनने दे रहे हैं और बना के खड़े किए होंगे। फिर आप एक कमेटी से उनको हटा के चाहें कि फिर बीजेपी बहुत लाइन पर आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। अरविंद जी दरअसल देश के प्रधानमंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपकी तरफ से एक मशवरा भी है कि अगर इस तरह की टेंडेंसी बीजेपी की बेसिक टेंडेंसी है, जो मॉडरेट लीडर्स हैं और जो हार्ड लाइन लीडर्स हैं, हार्ड लाइन लीडर्स जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं, जिस तरह के लोगों को एड्रेस करते हैं या उनके वो लीडर बनते हैं, वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है और बीजेपी के कोर कार्यकर्ता हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि रोका जाए तो उनको इस तरह के फैसलों को ही रोकना चाहिए कि हम टिकट ना दें और पार्लियामेंट्री कमेटी में लेकर के ना आएं। और अगर आप ले आते हैं और फिर चाहते हैं कि उसको हम रोक लें तो ये मुश्किल है, शायद आप यही कह रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को फिर वहाँ ले आके रोकना, कई बार हम टीवी चैनलों में, प्रधानमंत्री की छोड़िए, कई बार हम टीवी चैनलों में देखते हैं कि किसी ऐसे गेस्ट को बुला लिया और जब वो बोलना चालू करता है तो हमारे लिए सिरदर्दी हो जाती है कि यार इसको संभालो, ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है और ये तो हमारे मंच का इस्तेमाल अपने इसके लिए कर रहा है। तो ये प्रधानमंत्री को और ज़्यादा इसमें सावधानी रखनी चाहिए, गेस्ट बुलाने में अगर हमको सावधानी रखने की ज़रूरत है कि ऐसा गेस्ट न बुलाएं, तो प्रधानमंत्री को भी अपना मंच देने में कि किसको मंच दे रहे हैं ये सावधानी रखनी चाहिए। और उन्होंने प्रवीण तोगड़िया को ठिकाने लगाया था। मजे की बात यह है कि गुजरात की पॉलिटिक्स में सारे कम्युनल पोलराइजेशन के बावजूद उन्होंने प्रवीण तोगड़िया को ढंग से ठिकाने लगा दिया था कि उस तोगड़िया को कोई पूछने वाला नहीं। वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्यों लेके आए, अब इसकी सफाई उनको देनी होगी, इसकी सफाई और किसी को नहीं देनी होगी। और सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मैं अपने को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आप अपने को माफ़ नहीं करेंगे, मुल्क आप कैसे माफ़ करेगा। दरअसल प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी जो टेंडेंसी है, अरविंद जी की बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक टेंडेंसी है। और बोतल से जिन हम निकाल लेंगे तो फिर उसको दोबारा बोतल में डालना बहुत मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री की मंशा हो सकती है बेहतर हो, वो चाहते हों कि देश में इस तरह के बयान और इस तरह के हालात पैदा ना हों, लेकिन उन लोगों को ना रोक पाना कहीं ना कहीं उनकी अपनी कमजोरी है और इस कमजोरी से उनको पार पाना होगा,
तभी बीजेपी के भीतर उस तरह के लोग या उस तरह के समर्थक ज़्यादा होंगे जिस तरह की सोच वो रखते हैं या जैसा वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो होना चाहिए और अपनी सोच और जो कुछ हो रहा है उसको ना रोक पाने की अपनी कमजोरी, इन दोनों के बीच में अगर कोई आदमी लड़ रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग अपने आप में एक टेस्ट हैं जो जिनके ज़रिए यह बहुत तय होता है कि बीजेपी की आगे की जो पॉलिटिक्स है वो क्या होगी, उसको यहाँ रोक देना है या फिर इसी के ज़रिए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और फिर जब कोई बड़ा सवाल आता है तो हम आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार।